तो जैसा कि कल दोस्तों एक बयान आया था कि अमेरिका ने धमकी भरे लहजे में भारत को चेतावनी दी है कि हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन को अगर आपने नहीं भेजा तो एक प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की जा सकती है, इसको लेकर कल हमने बहुत बड़ा डिस्कशन किया था, उसके बाद हम बात करेंगे। और फाइनली ये भी बोला था कि हाँ, अब भारत अमेरिका के साथ साथ अन्य देशों को भी जो बैन लगा हुआ है हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन को निर्यात करने पर, उसको हटा लिया जाएगा। तो इस पर हमने बात की थी, लेकिन आज एक बहुत बड़ी खबर अमेरिका के व्हाइट हाउस से आई है। बिल्कुल दोस्तों, अमेरिका के व्हाइट हाउस से एक और नई खबर आ रही है, और हालांकि ये ट्रंप का कोई पहला बयान नहीं है। ये पूरे विश्व में जानता है कि हमेशा अमेरिका से इस प्रकार के दबाव भरे बयान आते रहते हैं, और उन्होंने साफ साफ WHO के खिलाफ जानकारी नाराजगी व्यक्त की है, और उन्होंने कुछ बताया है कि आखिर WHO क्या चीन के लिए काम कर रहा है या चीन के दबाव में काम कर रहा है। इस पर हम बहस करेंगे, और हम आपको बताएंगे कि ट्रंप ने साफ साफ शब्दों में कहा है कि जो अगर इस प्रकार WHO करता रहा या WHO ने इस प्रकार से कोई एक्शन नहीं लिया तो आगे हम यहाँ पर फंडिंग, यानी कि इसकी फंडिंग बंद कर देंगे। जैसा कि दोस्तों को पता होगा कि लगभग 195 देश WHO के साथ जुड़े हुए हैं। WHO एक ऐसी संस्था है जो विश्व में स्वास्थ्य के स्तर को ऊंचा करने के लिए बनाई गई है। इसका गठन जो है 7 अप्रैल को आपका हुआ था 1948 को, 7 अप्रैल 1948 को इसका गठन हुआ था, और साथ में दोस्तों पूरे विश्व ने इसकी सराहना भी की थी। और ये ऑर्गेनाइजेशन बहुत बार नियमों कानून को बनाने के लिए, अन्य देशों की मदद के लिए, स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराने के लिए जाना जाता है, और इसका बहुत बड़ा पार्ट अमेरिका डोनेशन देता है। बहुत बड़ा पार्ट जो इनका डोनेशन का है वो अमेरिका से प्राप्त होता है। हालांकि इसके लिए 194 से 195 सदस्य हैं, और 3-4 देश अन्य भी हैं। 194 आधिकारिक हैं, 194 देश आधिकारिक हैं WHO के लिए। अब ट्रंप ने धमकी क्या दी और क्यों बात धमकी दी, इस पर विचार किया जाए तो हालांकि ये धमकी कोरी धमकी नहीं है। बिकॉज आपने देखा होगा WHO ने साफ तौर पर, अब तो नहीं कह सकते, लेकिन उसने चाइना का सपोर्ट किया। जिस प्रकार चाइना बोलता रहा कि ये जो वायरस है कोरोना वायरस मैन टू मैन यानी कि ह्यूमन टू ह्यूमन नहीं फैल रहा है, ये एक नॉर्मल फ्लू है जो कि बहुत जल्द ठीक हो जाएगा, जबकि दिसंबर में, जनवरी में और फरवरी तक इन आंकड़ों पर पुष्टि नहीं दी गई, ये बहुत बड़ी बात थी, और WHO ने आंख बंद करके उस पर भरोसा भी किया। तो इस पर हम जिक्र करेंगे। जिक्र हम आपको एक और बात करना चाहते हैं कि व्हाइट हाउस से एक नई बात निकल कर आई है, जो कि हमने कल बताई भी थी आपको, कि इंडिया को जो गलत तरीके से लोगों ने बोला कि ऐसा नहीं है, हमने उस पर जिक्र किया था, लेकिन आज जो बात है वो बिल्कुल सही है कि ट्रंप ने विश्व स्वास्थ्य संगठन को चीन केंद्रित बताया है, और अब उन्होंने फंडिंग रोकने की भी धमकी दी है। उन्होंने बोला है कि जो WHO है वो चीन के लिए काफ़ी मदद कर रहा है, और ये कोई धमकी नहीं है। आप समझेंगे कि बुधवार को व्हाइट हाउस में जो मीडिया ब्रीफिंग करते हैं डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने वाशिंगटन में ये बोला है कि आप देख सकते हैं व्हाइट हाउस में जो मीडिया कॉन्फ्रेंसिंग थी, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO का फंड रोकने की धमकी दी है, कोरोना वायरस महामारी के बीच उन्होंने आरोप भी लगाया है। दोस्तों सोचने वाली एक बात यहाँ पर यह भी है कि एक तरफ तो WHO चाइना का समर्थन करते हुए दिख रहा है, और दूसरी तरफ ट्रंप खुद अपनी इकोनॉमी को बचाने के लिए लोगों को मरते हुए छोड़ रहे हैं। उन्होंने लॉकडाउन का फैसला नहीं लिया है कई जगह पर, अभी भी वहाँ पर खुले लोग घूम रहे हैं, और लॉकडाउन किया भी है तो सख्ती नहीं बरती जा रही है। लेकिन हालांकि उन्होंने एक बात जरूर बताई है कि WHO चीन का हिमायती है, वह मदद तो हमसे लेता है लेकिन हमारे द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों से असहमति जताता है। अब बात करेंगे ये यात्रा प्रतिबंधों पर, हमारे द्वारा लगाए गए यात्रा प्रतिबंधों पर। ट्रंप सरकार ने यह कहा था कि चाइना से आने वाली फ्लाइट्स पर या चाइना से आने वाले यात्रियों पर प्रतिबंध लगा दिया जाए, जिससे कि महामारी से बचा जा सकता था, जो कोरोना वायरस की महामारी है उससे बचा जा सकता था यदि प्रतिबंध लगा देते थे। लेकिन WHO ने बोला कि ऐसा लगाने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये ह्यूमन टू ह्यूमन फैल ही नहीं रही है, और उन्होंने असहमति जताई थी WHO ने। इस पर ट्रंप भड़क चुके हैं कि जिस समय उन्होंने ये बात बोली थी, देखिए वे कई चीज़ों के बारे में गलत थे, लिहाजा WHO पर खर्च होने वाली राशि रोकने जा रहे हैं, ये उन्होंने बोला है। क्यों बोला है? क्योंकि जब एक समय था जब ये महामारी बच सकती थी, वो समय कौन सा था, देखिए 23 जनवरी 2020 WHO के महानिदेशक ट्रेडोंस ग्रेब्रेसस
जेनेवा में कोरोना को लेकर एक आपातकाल बैठक में उन्होंने कहा था कि हमने यात्रा और व्यापार पर व्यापक प्रतिबंध की सिफारिश नहीं की, लेकिन एयरपोर्ट्स पर यात्रियों की स्क्रीनिंग जरूर होना चाहिए। तब चीन में मात्र 600 केस ही सामने आए थे। यदि ये कदम 23 जनवरी को उठा लिया जाता तो काफ़ी कुछ महामारी से बचा जा सकता था। लेकिन साफ साफ ट्रंप ने, देखो कम बोलते हैं राष्ट्रपति, प्रबंध लोग तो कम बोलते हैं, लेकिन उसको बड़ा समझना चाहिए, बिकॉज उन्होंने साफ साफ कह दिया कि अगर ये डिसीजन इस समय ले लिया जाता, इसके बाद 2 फरवरी, बिल्कुल 2 फरवरी से ट्रंप ने चीनी यात्राओं पर बैन लगा दिया था, लेकिन अगर ये 23 से 2 फरवरी के बीच जो 7-8 दिन में जो यात्री यहां से वहां गए, उन्होंने काफी सारे मुश्किलात पैदा किए। 17 लोगों की मौत हुई थी उस समय, जिस समय की बात चल रही है। इसके बाद कोरोना वायरस अमेरिका, जापान, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, थाईलैंड और सऊदी अरब जैसे कंट्रियों में फैल गया है। तो यहाँ पर दोस्तों दो बातें जानने की है जिसके लिए हमने ये वीडियो बनाया है। एक तो ये कि वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन क्या वाकई में चीन का हिमायती है। दूसरा, ट्रंप सरकार, जबकि यहाँ पर 10,000 से अधिक मौतें हो चुकी हैं, 10,000 से अधिक मौतें अभी तक हो चुकी हैं अमेरिका में, फिर भी लॉकडाउन को इतना कड़ाई से पालन नहीं किया जा रहा है, इसको कैजुअली समझ रहे हैं क्या? चीन के साथ साथ अमेरिका की यहां कोई साजिश लग रही है क्या? क्योंकि वो दवाइयां मंगवाने की पेशकश कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं, वो बात कर रहे हैं, लेकिन जो चीज करनी चाहिए वो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वहां पर लगभग 2-3 लाख से ऊपर मरीज हो चुके हैं, 2 लाख से ऊपर मरीज हो चुके हैं। तो ये अपन बात करेंगे कि ये जो ANI के द्वारा जारी किया गया ट्वीट है, ये भी इस बात की पुष्टि करता है। जी हाँ, व्हाइट हाउस में ऐसा कहा गया। हालांकि पत्रकार, न्यूज़पेपर कई बार कई चीज छाप देते हैं, बट ANI के वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन रिसीव वास्ट अमाउंट ऑफ मनी फ्रॉम अस, या US बोल सकते हैं, अगर अस नहीं पढ़ोगे तो US भी कर सकते हैं आप, ठीक है। दे क्रिटिसाइज एंड डिग्रेज अवर ट्रेवल बैन, या विथ माई ट्रेवल बैन बोल रहे हैं। माई का मतलब होता है मेरा और अवर का मतलब होता है आपकी कंट्री का। तो यहां पर बोल रहे हैं माई ट्रेवल बैन एट दैट टाइम और आई डिड इट, उन्होंने किया भी सही, बाद में किया, और कब किया? 2 फरवरी को किया। अब आप देख सकते हैं, दे हैव बीन रॉन्ग अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स, दे seemed to be very China-centric, और इस बात पर बवाल खड़ा हो चुका है। तो आपके, हम आपसे जानना चाहते हैं कि ट्रंप सही कह रहे हैं और ट्रंप किस हद तक सही हैं, इस बात को आप लोग कर सकते हैं। और उन्होंने बोला है कि going to put a hold money spent to WHO, साफ साफ शब्दों में लिखा है ये चाइना के हिमायती है और WHO की मनी बंद कर रहे हैं। इससे विश्व पर खतरा इसलिए मंडरा रहा है क्योंकि WHO एक बड़ी संस्था है और काफ़ी क्षेत्रों में वो मदद पहुंचाती है, अलग अलग कंट्री में मदद पहुंचाती है। यदि WHO की फंडिंग कम कर दी जाएगी तो विश्व में कई जगह पर इसका, मतलब जो भी वो सहायता दे रहा है वो नहीं पहुँच पाएगी, और जो क्राइसिस बढ़ रहे हैं वो क्राइसिस और बढ़ सकते हैं। तो यहां पर दोनों के बीच सुलह होनी चाहिए, या फिर चाइना को यह समझना चाहिए कि वो अपनी जिम्मेदारी ले कि हाँ उसने वायरस फैलाया है और उसको इसके लिए हेल्प करनी चाहिए। अब देखते हैं आगे क्या होता है, इसके बारे में जानकारी आपको लाते रहेंगे, लेकिन आपकी राय बहुत जरूरी है और आपके दिमाग में करंट अफेयर्स के सारे क्वेश्चंस जो भी रहते हैं उसके लिए मैं आपको डेली सेक्शन लेकर आऊँगा, तो आपको डेली जानकारी देंगे। और हाँ, एक बात और, कल जो भारत के खिलाफ गलत बयानबाजी की थी कि भारत ने दबाव में आकर फैसला लिया है, ऐसा नहीं है। भारत ने एक फ्रेंड, दोस्ती के नाते बैन हटाने का फैसला लिया है क्योंकि भारत का कहना है कि हम सबकी मदद करेंगे। तो उसने हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन को भेजने का, अमेरिका के अलावा सार्क देशों में सब जगह भेजने का जो बैन था वो हटा लिया है, अब वहाँ पर निर्यात करेगा। तो हम इंडियन है, हम सबका सपोर्ट करते हैं, आपको भी सपोर्ट करना है, इस लाइक वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना है और लोगों तक पहुंचाना है, और हमारे साथ दोस्तों इस लॉकडाउन का समर्थन करिए जब तक कि हम सेफ कंडीशन में नहीं आ जाते। बहुत जल्द लॉकडाउन खुल जाएगा यदि आप घर पर रहेंगे और हमारी टीम के साथ पढ़ते रहेंगे। सर्व श्रीवास्तव मैडम, शुभम गुप्ता जी, शैलन तिवारी जी, सन्मति जैन जी, साथ में आप देखेंगे यहाँ पर राम सर हैं, हिमांशु जी हैं, अंकुर जी हैं, सौरभ भारद्वाज जी हैं, सुरेश तोलिया जी हैं, सब लोग एक से बढ़कर एक कंटेंट लेकर आते हैं। मैं भी आपको MPPSC का 8:30 बजे मध्यप्रदेश का सामान्य ज्ञान पढ़ाता हूँ, इन्वायरमेंट पढ़ाता हूँ शाम को 6:30 बजे और 9 बजे बाल विकास पैडागॉजी पढ़ाता हूँ। मेरा नाम है दिनेश ठाकुर, डायरेक्टर एंड फाउंडर ऑफ दीप टीचिंग अकेडमी इंदौर। 13 साल से अधिक का मुझे अनुभव यहाँ पर पढ़ाने का है और साथ में अनअकैडमी पर 2 साल से वेरीफाइड एजुकेटर बना हुआ हूँ। वहाँ पर भी मैं आपको ज्योग्राफी और करंट अफेयर्स और साथ में हमारे जितने भी सेक्शन हैं जो कि PSC की प्री और मेंस में काम आएंगे पढ़ाऊंगा, और यहाँ पर बहुत सारे टॉपर्स ऑलरेडी पढ़ा रहे हैं। हर्षल चौधरी जी साथ में आप देखेंगे, तो
संप्रदा सराफ जी और भी बहुत सारे टॉपर्स जो है पढ़ा रहे हैं, तो आप भी यहाँ जुड़ सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट लेक्चर भी ले सकते हैं। कैसे लेंगे? अनअकैडमी की लर्निंग ऐप इंस्टॉल कीजिएगा। इंस्टॉल करने के बाद आपको गोल चूज करना है, आपका कौन सा गोल है। देखिए भैया, एसएससी, यूपीएससी, बैंकिंग, कुछ भी गोल हो आपका, वो गोल आप चूज कर सकते हैं। और गोल चूज करने के बाद देखिए और भी गोल्स हैं, टीचर्स भर्ती वाले ये वाले गोल चूज कर सकते हैं, एमपीपीएससी वाले ये वाला गोल चूज कर सकते हैं, और चाहो तो कोई भी गोल चूज करें। गोल चूज करें, घर बैठे पढ़ाई करने के लिए सबसे बेहतरीन तरीका है। और दूसरा, मुझे फॉलो कर लीजिए फ्री लेक्चर्स के लिए। अगर आपको अनअकैडमी के फ्री लेक्चर्स चाहिए तो मुझे फॉलो कर लें, सारे लेक्चर्स फ्री आपको मिलना शुरू हो जाएंगे, मेरे साथ साथ दूसरों के भी, डोंट वरी। और यहीं पर आप देखेंगे 12 महीने 24 महीने की अगर बात की जाए तो ये सब्सक्रिप्शन कोर्स एक साल का 6,300 रुपये एमपीपीएससी का। सभी कोचिंग जो है ना लाखों रुपए, जो दो दो लाख रुपए लेती है, यूपीएससी की फीस दो दो तीन तीन लाख रुपए लग जाती है, आपको मात्र 20-30 हज़ार रुपये में पूरा कोर्स मिल जाएगा। आसानी से पढ़ सकते हैं आप कोई भी कोर्स, लेकिन जब भी आपको डिस्काउंट की रिक्वायरमेंट हो, जब भी आपको मैक्सिमम डिस्काउंट चाहिए हो, रेफरल कोड डीटी लाइव उपयोग करें। डीटी लाइव उपयोग करेंगे तो आपको मिलेगा किसी भी कोर्स पर मैक्सिमम डिस्काउंट। आप देख सकते हैं 6,300 रुपये में एक साल का, 7,500 रुपये में दो साल का। पढ़ाई आप अभी से जारी कीजिएगा। देखिए लॉकडाउन है, कब कोचिंग खुलेगी नहीं पता, लेकिन हाँ आप सबको सपोर्ट करना है, सबके साथ सपोर्ट करना है, और मेरे साथ भी रहना है। घर में रहें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें, बाहर मत जाएं और पढ़ाई करें घर बैठे। हम आपका साथ देंगे। मेरे लेक्चर आप सर्च कर सकते हैं, एमपीजी के बाय दिनेश ठाकुर, चाइल्ड डेवलपमेंट बाय दिनेश ठाकुर, पर्यावरण बाय दिनेश ठाकुर, या ईवीएस भी कर सकते हैं, बाल विकास भी कर सकते हैं। और बस ये सारा कंटेंट आपको दे रहा हूँ, और यहाँ पर आप जब भी रेफरल कोड लगाएं, डीटी लाइव लगाएं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में करंट के मुद्दे के साथ, तब तक धन्यवाद। कैसा लगा वीडियो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। प्लीज़ कीप शेयरिंग।